रांची में कैबिनेट की हुई बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सड़क निर्माण के लिए नाबार्ड से 799.34 करोड़ की ऋण की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण पुल निर्माण के लिए 181.83 करोड़ की घनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। सीधी नियुक्ति में दिव्यांग के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। सामान्य के लिए 35 साल तो दिव्यांग के लिए 45 साल किया गया है। 5 साल की बजाय 10 साल की छूट मिली है। जैविक खाद्य प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। वहीं लीगल ऑफिसर के 25 संविदा आधारित पद के लिए मुहर लगाई गई है। सीएससी प्रज्ञा केंद्र से सूचना देने वाले सेवा शुल्क का पुनर्निर्धारण किया गया है। और इसके अलावा 15 नवंबर को मनाया जाने वाला झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में कैलाश खेर और उसके ग्रुप के कलाकारों की प्रस्तुति की भी मंजूरी मिली है। इस कार्यक्रम के लिए 35 लाख रुपए की राशि पर मुहर लगाई गई है रघुवर कैबिनेट की तरफ से। और इसके साथ ही 5000 मेट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज निर्माण की राशि में इजाफा को भी मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि 49.1 करोड़ की लागत से 6 जिलों में बनना है कोल्ड स्टोरेज। लोहरदगा, बोकारो, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और साहिबगंज में बनना है कोल्ड स्टोरेज। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला, तो 5 वर्षों का ये छूट दिया हुआ था, इसको बढ़ा के अभी 10 वर्ष कर दिया गया।